आपके एम्प्लॉयर ने आपको नौकरी से निकाल दिया है और आप सोशल मीडिया पर आके रोना रो रहे हो, तो इससे कितना होगा लाभ। मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस बिजनेस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लेना, बेल आइकन भी क्लिक कर लेना, सो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. मेरा नाम अखमशा है, तो मैं आज तक बाई न्यूज़ में काम करती थी, बट लेकिन आज मेरी पीटीएम थे, फिर उसके बाद एक मेल आया जिसमें सडन टर्मिनेशन का मेल था, वो 7:10 पे मेरी मीटिंग थी और इन्होंने मुझे निकाल दिया। अभी हमने देखा बायजू के एक एम्प्लॉय ने एक वीडियो बनाया जिसमें वो ये रोना रो रही थी कि बायजू ने उसे नौकरी से निकाल दिया है और फोर्सफुली रिजाइन करने के लिए कह रहा है, और उस वीडियो को इस लड़की ने सारे सोशल मीडिया पर वायरल किया और ये रो रही है कि मेरे को कंपनी ये कह रही है कि अगर मैं अपने से रिजाइन दे देती हूँ तो मुझे जो नेक्स्ट 1 तारीख आने वाला है मेरी सैलरी दे दिया जाएगा, नहीं तो अगर कंपनी अपने से एक्शन लेती है, टर्मिनेट करती है, निकालती है, तो जो फुल एंड फाइनल का प्रोसेस है लाइक 45 दिन 60 दिन 30 डेज 1 से 2 महीना के बाद मेरे को सैलरी दिया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर एम्प्लॉयर आपको फोर्सफुली टर्मिनेट कर रहा है या फोर्सफुली रिजाइन देने को कह रहा है, तो जो आप ये संदेश सोशल मीडिया पर दे रहे हो इससे बढ़िया है कि ये संदेश आप लेबर लॉ या किसी लीगल कंसल्टेंट से बात करके उस कंपनी को लीगल नोटिस दो, क्योंकि कोई भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को बिना बचे एट ए मोमेंट नहीं निकाल सकता है। अगर वो निकालता भी है तो 4 से 6 महीने का कम से कम जो मुआवजा होता है, कंपनसेशन होता है, वो देना होता है। तो ये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ये जो पूरे दुनिया को बता रहे हो कि कंपनी ने मुझे निकाल दिया या कंपनी मेरे को फोर्सफुली रिजाइन करने को बोल रहा है, तो यहां पर मैं सिर्फ आपको ये सजेस्ट करता हूं कि आप लीगल ओपिनियन लो, लीगल सहायता लो, और नहीं हो सकता है तो आप लेबर लॉ का सहायता लो, जहां से आपकी रियल में सहायता होगा। आप इस तरीके से सोशल मीडिया पर अपने आप को वायरल करने से हम और आप आपके बायजू कंपनी से लड़ने वाले नहीं हैं। इंडिया का हर पब्लिक भी चाह ले, सब कोई आपके साथ हो जाए, फिर भी वो बायजू के कंपनी के मालिक से ये नहीं बोलेगा कि सर इस लड़की को आप जॉब पर रख लो। तो आपका जॉब पर रखने का जो समस्या का समाधान है वो सिर्फ लेबर लॉ ऑफिस ही कर सकता है या आपका जो लीगल कंसल्टेंट होगा वही कर सकता है। मैं उनकी बात थी कि ये 1 साल बाद वेरिएबल पे देंगे, इन्होंने वो भी नहीं दिया। मैंने उस बेसिस पे लोन उठा लिया, लोन उठाने के बाद लेंडर्स मेरे पीछे पड़े हैं, मैं कहाँ जाऊँ मुझे बताइए, मैं क्या करूँ, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। 1 तारीख को ये कह रहे हैं कि सैलरी नहीं देंगे, हम कहाँ से खाएंगे। इसी वीडियो में इस लड़की ने ये दावा किया कि अगर मैं फोर्सफुली रिजाइन नहीं देती हूँ और मेरा सैलरी 1 से 2 दिन में नहीं आएगा, तो मैंने जो लोन लिया हुआ है उसका EMI कहाँ से दूंगी और मुझे 2 दिन के बाद खाने को कहाँ मिलेगा। मुझे नहीं पता है कि इस लड़की की सैलरी कितनी है, 20,000, 40,000, 2 लाख, 5 लाख, 10,000 पर मंथ। मेरा सिर्फ सवाल आपसे ये है या इस एम्प्लॉय से है कि आपकी जो भी सैलरी थी, अगर आप हैंड टू माउथ हो कि पूरे महीने काम करने के बाद 2 तारीख को जब तक अगर आपकी सैलरी नहीं आती और आपको खाने को 2 रोटी के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, तो ये गलती आपके एम्प्लॉयर की नहीं है, ये गलती आपकी है। मान लो कि आज ये कंपनी आपको कह रहा है कि आप निकल जाओ, निकाल रहा है, हो सकता है ये कंपनी कल को बर्बाद हो गया होता, इंसॉल्वेंट हो गया होता, तो आप क्या करते, उस टाइम आप किसको जिम्मेदार ठहराते। सो दोस्तों, अगर आप पैसा अर्न कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो और आपके दिमाग में ये चीज़ आता है कि अगर
मेरे को एक महीना इनफ्लो नहीं आएगा तो मैं अगले दिन रोटी कैसे खाऊंगा, खाना कैसे खाऊंगा, मैं अपना ईएमआई कैसे लूंगा। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपका है। रीजन कि हम और आप दुनिया को दिखाने के चक्कर में आज की डेट पर जो भी अर्निंग होता है उसका 20-30% हम सेविंग नहीं करते हैं फॉर फ्यूचर पर्पज। हमें जो पैसा आता है लगता है नेक्स्ट महीना तो फिर से पैसा आने वाला है, क्रेडिट कार्ड पर कुछ लोन ले लेते हैं, कुछ नॉर्मल फिनांस से लोन ले लेते हैं और अपने पूरे इनकम को ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं। यही जो सीन है, सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस है, हमारे और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो दोस्तों, आप सैलरी अर्न कर रहे हो, बिजनेस में पैसा अर्न कर रहे हो और आप अपने प्रेजेंट इनकम से 25-30% भी पैसा सेव नहीं करते हो फॉर फ्यूचर पर्पस, तो ये समस्या आपको हमेशा आएगा, चाहे आपकी सैलरी 20,000 का हो या 20 लाख रुपया पर मंथ का हो। इसी के साथ इसने एक और बात कहा, कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि मुझे कुछ वेरिएबल मिलेगा और उसके आधार पर इसने लोन ज़्यादा ले लिया। तो सबसे पहला चीज, जो अनिश्चित है उसके लिए आपने निश्चित कर लिया, मतलब कंपनी वेरिएबल देगा साल भर के बाद, 6 महीना बाद, और आपने लायबिलिटी आज के ही डेट पर निश्चित कर लिया, आपने लोन ले लिया, तो ये आपकी गलती है, कंपनी की गलती नहीं है। कंपनी तो अपना काम किया, उसने बोला काम अच्छा करोगे मैं आपको वेरिएबल दूंगा ताकि आप उस कंपनी में टिके रहो। गलती आपकी है, जिस दिन आपको वेरिएबल मिल जाता आप उस पैसे को खर्च करते, लेकिन आपने सोचा फ्यूचर में तो पैसा आएगा, चलो आज मैं लायबिलिटी क्रिएट कर लेती हूं। क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी बहुत ही आसान है, कभी भी कर सकते हो, लेकिन उसका रिपेमेंट बहुत डिफिकल्ट है। सो दोस्तों, आज के बाद आप एक पैसा का भी लोन लेते हो तो आपको प्रेजेंट इनकम जरूर देखना चाहिए, रिपेमेंट कैपेसिटी देखना चाहिए और फ्यूचर का क्या इनकम है, क्या फोरकास्ट है, ये भी देखना चाहिए। 1.5 साल मैंने काम किया, एक छुट्टी नहीं थी और कुछ एक रीअसाइनमेंट नहीं था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैनेजर ने कहा परफॉर्मेंस के बेस पे हुआ, बिहेवियर के बेस पे हुआ। एचआर ने बोला ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ये चाह रहे हैं कि हम फोर्सफुल रेजिग्नेशन दे दें और इस चीज़ के लिए ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपने आप रेजिग्नेशन दे रहे हो तब आपको 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, अगर आप इमीडिएट, अगर आप चाहते हो कि कंपनी आपकी आपको निकाल दे तब आपको आज की डेट में निकाल दिया जाएगा, लेकिन सैलरी में 30-45 दिन टाइम लगेंगे। तो वो 30-45 दिन मैं खाने के लिए कहाँ से लाऊंगी, मेरे घर पे कोई और नहीं है जो मैं काम कर सके। इसी वीडियो में इस लड़की का ये भी दावा है कि पिछले 1.5 साल में मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया। तो इसमें गलती किसकी है, क्या कंपनी ने आपको छुट्टी लेने से मना किया था? मेरा एक सिर्फ मानना है कि आप अपने जॉब प्रोफाइल से प्यार करो, कंपनी से कभी प्यार मत करना। आप जब अपने जॉब प्रोफाइल से प्यार करते हो तो आपका स्किल डेवलप होता है, आप में एक्सपर्टाइज आता है और आप अपने आप को निखार सकते हो। सो कल को आप अपना बिजनेस भी एस्टेब्लिश करना चाहते हो कर सकते हो, किसी और कंपनी में जाओगे तो डबल ट्रिपल सैलरी पर जा सकते हो, 25% हाइक पर जा सकते हो, 50% हाइक पर जा सकते हो। लेकिन जिस दिन भी आपने कंपनी से प्यार करना शुरू कर दिया और आप अपने स्किल पर डेवलप नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आएगा। जैसे कभी कंपनी ने आपको निकाल दिया या कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है या कंपनी अपना कारोबार बंद कर देती है या ड्यू टू सम रीजन आपको जॉब करने का मन नहीं करता है या आप फिजिकली कैपेबल नहीं रहते हो कहीं इन और आउट आने जाने के लिए, इस केस में सिर्फ आपका जो स्किल्ड है वही काम आता है, ना कि कंपनी का प्यार। सो दोस्तों, ये कहना कि मैं तो पिछले 1.5 साल या 5 साल में मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया फिर भी कंपनी ने मेरे को निकाल दिया, क्योंकि कंपनी यहाँ पर अपना प्रॉफिट देख रहा है कि आपको निकाल के या आपको हटा के उसे महीने का 50,000, 1 लाख, 5 लाख बच रहा है, तो वो बचाएगा, वो कभी नहीं देखेगा आपने एक दिन छुट्टी नहीं लिया। क्योंकि आपका छुट्टी नहीं लेना भी कंपनी के लिए भारी है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कंपनी किसी भी एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट हो। तो आपका छुट्टी नहीं लेना आपके लिए असेट नहीं है, आपके लिए लायबिलिटी है। सो दोस्तों, इस तरीके से आप जब सोशल मीडिया पर आते हो कि अपने प्रॉब्लम बताते हो तो मैं ये कहूँगा कि आपने प्रॉब्लम को बताओ, लेकिन उसके साथ जो लीगल कंसल्टेंट है, जो आपका लीगल ओपिनियन दे सकता है, जो आपको प्रोसेस समझा सकता है, फिनेंशियल कंसल्टेंट से बात करो कि सर आज मैं जॉब लॉस्ट हो चुका है तो अब मैं क्या करूँ, मैं खाने को कैसे इंतजाम करूँ, अभी तक आपने म्यूचुअल फंड नहीं खरीदा है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो फ्यूचर में ऐसा क्या करें कि अगर ऐसा फिर से सिनेरियो आए तो आप अपने आप को उभार
हार सको, सक्सेस कर सको। सो दोस्तों, सिर्फ सोशल मीडिया पर आके वीडियो बनाना, वायरल करना, ये उतना अकलमंदी नहीं है जितना अपने आप को मजबूत करना इम्पॉर्टेंट है। जो आपको फोर्सफुली टर्मिनेट कर रहा है या निकाल रहा है, उसको आप लीगल नोटिस दो और फ्यूचर के लिए हमेशा 20-25% या 30% पैसा जरूर बताओ, नहीं तो आप हमेशा इसी तरीके से प्रॉब्लम में फेस करोगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो, जानना हो, तो आप जरूर हमसे डिस्कस करना, कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछना, जहां पर हम आपको जवाब देंगे। और तब तक दोस्तों, हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। ऑडियो जंगल।